दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भले ही कोलकाता ने जीता मैच, लेकिन ऋषभ पंत ने जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। जी हाँ, ऋषभ ने अपने हेड कोच सौरभ गांगुली के पैर छूकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया और गांगुली का आशीर्वाद लिया। यह नजारा देखकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि पूरा स्टेडियम भी हैरान रह गया। तो आखिर क्यों अचानक सौरभ गांगुली के छुए ऋषभ पंत ने पैर? यह नजारा देखकर कैसा था खुद सौरभ गांगुली का रिएक्शन? कैसे गुरु और शिष्य के परंपरा का पालन करते हुए ऋषभ पंत झुक गए सौरभ गांगुली के चरणों में? यह खूबसूरत लम्हा आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ और रिंकू में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली की पूरी टीम ने 20 ओवर में केवल 153 रन 9 विकेट खोकर बना पाई। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 26 गेंद पर 35 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। कोलकाता के लिए यह लक्ष्य हासिल करना चुटकी का काम था और ठीक वही हुआ। मैदान पर उतरते ही फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ने दिल्ली के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। बेरामी से दिल्ली के गेंदबाजों की कुटाई की और पलक झपकते ही कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। टीम की तरफ से फिलिप सॉल्ट ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 7 चौकों की मदद से 68 रन बनाए। वहीं अंत में श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर टीम को यादगार जीत दिला दी। कोलकाता की यादगार जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, लेकिन वहीं दिल्ली के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। फैंस बेहद निराश थे, कप्तान ऋषभ पंत भी काफी भावुक हो चुके थे। वहीं हेड कोच और कोच दोनों के चेहरे पर उन्हें हार की झलक दिखाई दे रही थी। जब सभी खिलाड़ी मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा चुके थे, तब निराश सौरभ गांगुली अकेले मैदान में टहल रहे थे। उन्हें देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत उनके पास गए और जाते ही उन्होंने पैर छू लिया। ये नजारा देखकर खुद सौरभ गांगुली की भी आंखें फटी रह गईं। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान हो चुके थे। ऋषभ पंत की गर्लफ्रेंड ईशा नेगी को भी कुछ समझ में नहीं आया, वह पूरी तरह से हैरान थी। लेकिन तुरंत सौरभ गांगुली ने ऋषभ पंत का कंधा पकड़कर उठाया और गले से लगा लिया। फिर ऋषभ पंत की पीठ थपथपाते हुए गांगुली ने उन्हें आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें बहुत कुछ समझाया, लेकिन इस लम्हे ने हर किसी का दिल जीत लिया। फिर ऋषभ पंत सौरभ गांगुली काफी देर तक मैदान में एक साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। हर कोई इन दोनों के लम्हों को देखकर सलाम कर रहा है और अभी लम्हा सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। गांगुली के चाहने वाले फैंस अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन करते हुए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। मगर दोस्तों, आपको क्या लगता है ऋषभ पंत इस बार अपनी टीम आईपीएल को चैंपियन ट्रॉफी दिला पाएंगे नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।